विधि को हम बात करने वाले एफटी वर्सेस किंग्स 11 के बीच होने वाले आज के पहले ईसीओ सीजन मैच के बारे में, एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, 2 से 3 रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीमों की, मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेजूंगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी है, आसान भी और एकदम फ्री भी रहने लगा है। आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गए या फिर 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस हो गए, जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँ उस मैच की अपनी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। 70,000 के करीब लोग सब्सक्राइबर, यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पे फ्री में कवर करने वाला हूँ। जहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो का टाइटल आप क्लिक करोगे या फिर आप तो फिर आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, लिंक आपको सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करोगे या फिर टच करोगे ना, आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पे कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूंगा, ये जो मैच है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैच है फाइटर्स यानी कि एफटी की टीम का जीतने के चांसेस ज़्यादा है। एफटी की टीम इस सीज़न में सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों में से एक नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको कहूँगा कि टी हसन और एफ जावेद किसी भी काम के प्लेयर नहीं है, तो बिना कुछ भी सोचे आपको विकास कुमार को लेकर के चलना है। आखिरी 12 मैचेस में से इसने 6 ऐसे मैचेस भी गया हुआ जहाँ पर इसने बॉलिंग भी कर रखा है, तो बल्लेबाज से तो काफ़ी अच्छा है ही है, प्लस आपको कई बार ये बॉलिंग भी करके दे सकता है। और जिन 6 मैचेस में इसने बॉलिंग किया वहाँ पे इसको बॉलिंग से 7 विकेट भी मिला हुआ है। अब 12 मैचेस में इसने बल्लेबाजी में रन्स भी करीब करीब आपको 200 करीब रन्स बना करके दिया हुआ है, तो प्लेयर काफ़ी शानदार है। चाहे वो आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर जीएल की टीम बना रहे हो, तो इसी को आपको लेकर के चलना होगा। बल्लेबाजी ऑप्शन आपके लिए कोई भी बहुत बड़े लेवल का प्लेयर है नहीं, तो ऑलराउंडर्स को मैं पूरा फोकस करूंगा, जिनमें पहला नाम है ऐसा अमीर शरीफ, जो कि बल्लेबाजी में भी आपको टॉप ऑफ द पे आ जाएगा, एज अ ओपनर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। इसका बल्लेबाजी में भी एवरेज जो है आपको 31 करीब का देखने को मिला हुआ है 10 ओवर के मैचेस के अंदर आखिरी के 16 मैचेस में, प्लस इसने बॉलिंग से भी आखिरी के 16 मैचेस में करीब करीब 18 विकेट के बीच लेकर के दिया हुआ है। तो प्लेयर इतना शानदार है कि अगर आप फैंटेसी में टीम भी बना रहे हो, चाहे स्मॉल लीग या जीएल, बिना कुछ भी सोचे ऐसा केवीसी आप इसको बना करके चल सकते हो। और दूसरे नंबर का प्लेयर है जिसका नाम है ऐसा असीम अली, अगर आपको लग रहा है कि इसको बॉलिंग करने का मौका मिलेगा ना, तो बिना कुछ भी सोचे ऐसा वीसी इसके ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, क्योंकि ये जो है बल्लेबाजी में भी 4 पे आ जाएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ आपको ज़्यादातर मैचेस में करके देगा ही देगा। आखिरी के जो इसने 26 मैचेस खेल रखा है उसमें 19 ऐसे मैचेस गए हुए जहाँ इसने 1 ओवर बॉलिंग कर रखा है, मतलब 1 ओवर मिनिमम किया हुआ है, कई बार 2 ओवर भी किया हुआ है, लेकिन बचे हुए जो 7 मैचेस ना वहाँ पर इसने बॉलिंग किया ही नहीं, तो कई बार ऐसा भी होगा कि ये बॉलिंग करेगा ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में बॉलिंग कर रहा है। 19 मैचेस जहाँ पर इसने बॉलिंग कर रखा है वहाँ पर इसको 18 विकेट भी मिला हुआ है। अब बल्लेबाजी में भी इसका एवरेज आपको 24 के करीब का देखने को मिला हुआ है। अब इसके अलावा आपके लिए 2 और अच्छे प्लेयर हैं, एक यहाँ से जैद नाजवी, ये भी प्लेयर काफ़ी शानदार है, बल्लेबाजी में 3रे पे आ जाएगा, प्लस कई बार आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। बल्लेबाजी में इसका एवरेज आपको 21 करीब का देखने को मिला हुआ है आखिरी के 12 मैचेस में, यानी कि 3 दिन के मैचेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेयर है, प्लस आपको ये भी कई बार बॉलिंग करके दे सकता है आखिरी के 12 मैचेस में, इसने भी 8 मैचेस में बॉलिंग कर रखा है जहाँ पे इसको बॉलिंग से 8 विकेट भी मिला हुआ है। बाकी यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं यहाँ पे। अगर आपके लिए इसके अलावा कोई अच्छा प्लेयर, तो यहाँ से आपको नाम देखने को मिलेगा जगमीत सिंह और दूसरा यहाँ से आर ताहिर, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है। अगर मैं जयपाल सिंह की बात करूँ, प्लेयर बहुत शानदार है, प्लेयर जो है बहुत शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि इसका बल्लेबाजी क्रम 6 नंबर पर रखा जाता है, यानी कि बल्लेबाजी में कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दे नहीं पाएगा।
और रही बात इसके बॉलिंग की, तो इसने अगर ये 10 मैच खेलेगा ना तो उससे 3 ही ऐसे मैच होंगे जहाँ पर इसको बॉलिंग मिलेगा, बाकी बच्चों जो 7 मैचेस होंगे वहाँ पर इसको बॉलिंग मिलेगा ही नहीं। यानी कि प्लेयर अच्छा है लेकिन जब भी बॉलिंग करते हैं वहाँ पर अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में बल्लेबाजी और बॉलिंग कुछ भी मिलती नहीं है। जगमीत सिंह को लेकर के चलूँगा, बल्लेबाजी में भी 5वें नंबर पर आ जाएगा, प्लस आपको 2 ओवर बॉलिंग से भी पूरा करके देने के चांसेस है। चाहे वो आप बल्लेबाजी देखो या फिर बॉलिंग देखो, दोनों ही चीज़ों से तगड़ा रिकॉर्ड है, तो मैं इसको लेकर के ज़रूर चलूँगा। अब इसके अलावा आप ताहिर भी एक अच्छा प्लेयर है, रिजवान ताहिर की मैं अगर एक चीज़ बोलूँगा कि रिजवान ताहिर एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक्सपीरियंस भरा हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद से इस मैच ए अमीर शरीफ और आर ताहिर में से कोई एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होगा जिसको प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक एसीएस मिलान के कोई भी मैच में कोई भी टीम ऐसी नहीं गई जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेल रहे हों। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे, ये चीज़ मुझे लगभग कन्फर्म सा है, तो मैंने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अगर दोनों खेल रहे होंगे तो मैं ले करके ज़रूर चलूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि दोनों से कोई एक कन्फर्म होगा कि नहीं खेलेगा, और जो भी खेलेगा मैं उसी को लेकर के चलूँगा, बाकी दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और बॉलिंग ऑप्शन है, सबसे पहले कहूँगा जैद चीमा हो गया, सिकंदर अब्बास हो गया, उसके बाद यहाँ से जसविंदर सिंह हो गया, उसके बाद यहाँ से बिलाल हमीद हो गया, आर फराज हो गया, अली नोमन हो गया, ये सब अच्छे प्लेयर है। अली नोमन ने आखिरी जो अपने 19 मैचेस खेल रखा वहाँ पे बॉलिंग से इसको 25 विकेट के करीब मिला हुआ है, 10 ओवर के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा बॉलर है, विकेट देखा बॉलर है। तो अगर आप टीम बना रहे हो इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा है तो बहुत शानदार प्लेयर, इसको रिस्क लेकर के चलना। आर फराज ने आखिरी के जो 4 T10 के मैचेस खेल रखे वहाँ पे इसको बॉलिंग से 7 विकेट मिला हुआ है, यानी कि बॉलर ये भी बहुत शानदार है। अगर आप रिस्क तय करो, मिनी GL की टीम बना रहे हो तो इसको लेकर के चल सकते हो। बिलाल हमीद ने आखिरी की जो अपने 16 मैचेस खेल रखे वहाँ पे इसको 16 विकेट मिला हुआ है, यानी कि T10 का ये भी काफ़ी अच्छा बॉलर है, बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आएगा। जसविंदर सिंह ने आखिरी के 18 मैचेस जो खेल रखे वहाँ पे इसने बल्लेबाजी में भी 200 करीब रन बना करके दिया हुआ है, यानी कि बल्लेबाजी में भी आपको 10-20 रन आराम से बना करके दे सकते हैं जब भी मौका मिल जाएगा, प्लस इसने बॉलिंग से भी 18 मैचेस में 19 विकेट लेकर के दिया हुआ है, तो जसविंदर सिंह आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। बाकी यहाँ से मैं बात करूँ सिकंदर अब्बास जो कि FT की टीम का सबसे मेन बॉलर है, FT की टीम का सबसे मेन बॉलर है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करेगा ही करेगा, आखिरी के 19 मैचेस में इसको बॉलिंग से 21 विकेट मिला हुआ है, हर मैच से 2 ओवर पूरा करता है। जैद चीमा आखिरी को 29 मैचेस में बॉलिंग से इसको 37 विकेट मिला हुआ, T10 का स्पेशलिस्ट प्लेयर है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, कई बार 2 ओवर शुरू के ओवर में बॉलिंग कर जाता है, कई बार आखिरी के ओवर में बॉलिंग करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी सीरीज गए हुए जहाँ पर जैद चीमा ने बॉलिंग से ओपन तक किया हुआ है, यानी कि शुरू के ओवर में बॉलिंग करके आपको दिया हुआ है। अब इसके अलावा मैं आपको 3 और प्लेयर्स के बारे में कहूँगा, अली नोमन और आर फराज को अपनी 4-4 GL की टीम में लेकर के चलना है, बिलाल हमीद को अपनी 3 या फिर 2 GL की टीम में रोटेशन में यूज़ करके चलना है, मिनी GL और मेगा GL में आपको ये 3 बॉलर्स अच्छा खासा पैसा कमाने में मदद करके दे सकते हैं। ये तीनों प्लेयर्स आपके लिए इस तरीके के रिस्की प्लेयर रहेंगे जो कि आपके लिए इस मैच के लिए गेम चेंजर प्लेयर रह सकते हैं, मेनली जो ये दोनों प्लेयर आपको काफ़ी हाई लेवल का परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, अगर ये दोनों में से कोई भी प्लेइंग 11 में रहेगा उसके ऊपर आप रिस्क लेकर के चल सकते हो। बल्लेबाजी ऑप्शन इमरान शेख को लेकर के चलूंगा जिसने आखिरी के 12 मैचेस में 170 करीब रन बना करके दिया हुआ है, एच सिंह बिल्कुल भी अच्छा प्लेयर नहीं है, सैदर का भी कोई इतना अच्छा नहीं है, सिमरनजीत सिंह को लेकर के चलूंगा, बाकी यू जावेद को लेकर के चलूंगा, कई बार आपको बल्लेबाजी में 13 मैच 133 रन भी बना करके दिया हुआ, 8 मैच में इसने बॉलिंग भी कर रखा है 13 में से, वहाँ भी इसको बॉलिंग से भी 5 विकेट के करीब मिला हुआ है। सिमरनजीत सिंह का भी बल्लेबाजी में एवरेज 16 का, इसको लेकर के चल रहा हूँ, बल्लेबाजी में 4 नंबर करीब आने वाला है। ये हमारे लिए रही लेवल चले जैसे स्पोतेसी और कुबेरा ऐप के लिए टीम, जहाँ पे आपको 3 बल्लेबाजों को लेकर के चलना मजबूरी है, अगर 3 बल्लेबाजों को लेना मजबूरी नहीं है तो सिमरनजीत सिंह और यू जावेद को ना लेकर के आप यहाँ से अली नोमन और यहाँ से आर फराज के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, और इस तरीके की फैंटेसी टीम बना करके चल सकते हो। बाकी अभी मैं यहाँ पे ये ना बना करके सेम उस तरीके की बना करके चल रहा हूँ जो कि सारे ऐपों के लिए यूजेबल है। कैप में लेकर के चलने वाला हूँ जिसका नाम है सीधे सीधे यहाँ से अमीर शरीफ को, VC असीम से अली को लेकर के चल रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आपके लिए 2 और अच्छे प्लेयर रहेंगे जिनका नाम है यहाँ से जगमीत सिंह हो गया और जैद चीमा हो गया, ये दोनों में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि आपको 100 के करीब पॉइंट्स ला करके जाने वाला है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो ना
या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे वह पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक पर क्लिक करोगे या फिर टच करोगे ना, सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुँच जाओगे। नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एकदम फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।